हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू, कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचर्स आईक्यू के क्लासरूम में मैं रोमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। परसेंटेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, तो अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको सजेस्टेड लिंक्स में ऊपर देख रहा होगा, तो वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस पर जाएं और उन वीडियोस को देखें ताकि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज रिवाइज करके आए हो ना वीडियोस को, ताकि आपको भी ये चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो वोटिंग टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी बहुत सारी सीरीज साथ में चल रही हैं, जैसे इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट सेशन भी चल रहा है और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रही है, जीके भी चल रही है, जीके में हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिए और कुछ कुछ करंट के टॉपिक पे भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन चल रहा है। तो प्लीज आप उन सब के साथ भी बने रहिए ताकि आपकी लर्निंग और एनहांस हो सके और बढ़ सके। लर्निंग्स अच्छी रहेंगी तो एग्जाम वैसे भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई डेट अनाउंस हो सकती है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। इस समय पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझोगे और ज्यादा अच्छे से चीजें होंगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो और प्लीज वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारे लिए क्या लेकर आया, वोटिंग टाइप क्वेश्चंस, वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, वोटिंग टाइप क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। वोटिंग टाइप का मतलब क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आता है वोटिंग का मतलब क्या होता है। देखो वोटिंग को ना हिंदी में मतदान कहा जाता है, आपको ये बात पता है, बहुत इजी सी बात है। मतदान कहा जाता है, मतदान हुआ, देखिए क्या हुई, वोटिंग हुई। जो मतदान करता है वो क्या है, मेरा वोटर है। जो भी मतदान करेगा वो मेरा वोटर है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मतदाता, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मतदाता कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में पांच जन है, पांच जनों को इलेक्शन कमीशन ने कार्ड दे दिया कि आप वोट कर सकते हो, 18 से ऊपर हो आप वोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मन नहीं होता, ठीक है, किसी की तबीयत खराब होती है, वैसे करना चाहिए लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस समय वोट करने नहीं जाते। अगर आपकी फैमिली में पांच जने हैं, दो जनों की तबीयत खराब है तो वो दो जने वोट करने नहीं गए। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में ये नहीं होगा कि वो मतदाता नहीं रहेंगे, वो मतदाता हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मतदाता सूची में नाम तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो वोट देने गए हो या नहीं रहे हो, तो ये चीज हमेशा पॉसिबल रहेगी। सबसे पहली बात, तो मतदाता कौन है, चाहे आप वोट देने जाओ या ना जाओ, आप हमेशा मतदाता तो कहलाओगे ही कहलाओगे। सेकेंडली बात, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे 10 वोट पड़े, ठीक है, 10 वोट पड़े, 10 में से क्या हुआ, 10 वोट पड़ गए, आ गए 10 वोट, देखा काउंटिंग में 10 वोट थे, लेकिन पता चला बाद में कि 3 वोट में क्या हुआ, लफड़ा हुआ, 3 वोट किसी के, 3 जो भी बंदे थे उनको पैसे देके वोट कराया होगा तो लफड़ा हो गया, तो 3 वोट ऐसे निकले जो कि खराब है, ऐसे वोट क्या कहलाए, अवैध, अवैध वोट्स, ये हमारे वैध अवैध वोट्स कहलाए, यानी इनवैलिड वोट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, इनवैलिड वोट्स। और बाकी जो बचे वो क्या है, 7 वोट्स, ये क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे, वैध मत होंगे, हमेशा याद रखिएगा। अब काउंटिंग जो होगी, विनर या लूजर की जो सिचुएशन डिसाइड होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो पता चलेगा इस 7 में से, ना कि ये पूरे टोटल 10 में से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वैलिड इनवैलिड वाली चीजें क्या होगी, इसमें से होगी। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो रिवाइज कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये 7 वोट में से डिसाइड होगा। अब इसमें से किसी ए कैंडिडेट को 4 मिले हो, बी को 3 मिले हो, तो ये ए वाला जीत जाएगा ऐसे केस में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ। ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आती है, कभी कभी चीजें हैं, टॉपिक स्टार्ट करना है तो सारी चीजें बताना जरूरी होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए क्या लेकर आया है, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, विनर गॉट 52% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, हमेशा इन क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, क्या ये जो परसेंटेज जो दे रखा हो वो किसका दे रखा है, टोटल वोट्स का। हमेशा आगे वाले वर्ड को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा वैसे वैसे ही वैल्यूज चेंज होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये 52% जो दे रखा है ये हमेशा टोटल वोट से रिलेटेड हो या किससे रिलेटेड है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं,
दो प्रत्याशी थे, दो उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग ले लिया, ठीक है, 52% मत मिले और विजेता उम्मीदवार हो गया, ठीक है, टोटल में से 52%, यानी अगर 100 वोट पड़े हैं, बात समझो, मैं कहता हूं अगर 100 वोट पड़े हैं तो 52% तो क्या मिल गया विजय वाले को, तो हारने वाले को निकालना पड़ेगा, पहले हारने वाले को क्या मिले, याद करिए स्लैब रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने आपको 100 से चीजें करवाई थी, मैं वही चीज वापस इधर भी अप्लाई करूंगा, देखो कैसे, मैं कहता हूं कि टोटल वोट्स ही 100 पड़ते हैं, याद करो स्लैब में मैंने टोटल इनकम जो मान ली थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहती है, जैसे मैंने स्लैब में भी आपको कहा था इंपॉर्टेंट टाइप है, तो वैसे ही ये 100 मान के जो मैं कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे पास और भी मेथड्स है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये एक मेथड नहीं है, लेकिन आप बेसिक से सीखा रहा हूं तो बेसिक से बताऊंगा चीजें किस तरीके से सॉल्व होती है, ठीक है, तो मैंने 100 मान लिया, जीतने वाले को 52% मिले तो जीतने वाले को 52 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जीत गया भाई ये, जीतने वाले को अगर 52 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 48, नॉर्मल सी बात है, 100 में से 52 माइनस कर लो तो 48, ये कितना होगा लूजर के, लूजर को 48 मिल गए। अब आगे वो आपसे क्या बात कर रहा है, ये लाइन पढ़ो, 6400 वोटों से जीत गया, ये लाइन का मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जीतने वाले को 6400 वोट मिले हैं, ये बात कह रहा है कि जो जीता है और जो जस्ट उसके नीचे जो फर्स्ट और जो सेकंड, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, जिन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6400 है, तो ये हमेशा जब 1/6400 वोट्स, कितने जीता, 6400 मते से विजय हुआ है, 6400 वोट से जीता है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस हमेशा 6400 होगा, लेकिन यहां पे डिफरेंस कितना है, 4 का है, वापस वही सच और झूठ, मैंने सिखाया आपको कॉन्सेप्ट सच और झूठ का, तो सच और झूठ के हिसाब से झूठ तो मेरा 4 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में सच तो सर 6400 दे रखा है, तो वही चीज करेंगे अपन, 6400/4, आई थिंक 6400/4, देखो क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 6400 की, तो 6400 ले लिया, यहां पे डिवाइड कर दो 4 से, अब उसने आपसे क्या पूछा है वो चीज पे ध्यान दीजिए, उसने कहा कि बताओ नंबर ऑफ वोटर्स क्या है, तो नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ वोटर्स अपन ने 100 माने थे तो 100 कर दीजिए, अगर वो कहता है कि जीतने वाले को कितने मिले तो 52 कर दीजिए, अगर वो कहता हारने वाले को कितने मिले तो कितना कर दीजिए, 48 कर दीजिए, जो उसने पूछा है वो कर दो बस और कुछ नहीं, तो अपन से तो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वोटर्स को पूछा गया यानी 100, तो ये चीजें तो हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो 4 × 4, 4 × 4, 4 × 6 = 24, 1600, तो 1600 और ये दो 160,000, आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से कर लिया ये क्वेश्चन हमने, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो मैंने आपको बोली है ये बहुत काम की रहेंगी, तो चलिए अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया मेरे लिए, इन एन इलेक्शन देर आर 3 कैंडिडेट, 3 उम्मीदवार है, ठीक है कोई बात नहीं, द विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वोट्स एंड द कैंडिडेट एट द थर्ड प्लेस गॉट 5% ऑफ द वोट, देखो जरूरी थोड़ी है एक इलेक्शन में दो ही उम्मीदवार हो, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कितने ही हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतने वाले को 55% मिले फर्स्ट पे जो आया, और जो थर्ड पे आया है उसको कितने मिल गए हमारे हिसाब से 5%, क्वेश्चन ने कितना दिया 5%, और उसने क्या कहा कि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 वोटों से जीता है, वापस 9000 वोटों से जीता है, यानी फर्स्ट और सेकंड प्लेस के बीच का डिफरेंस कितना है 9000 है, तो देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, सेम टू सेम यही करूंगा, मान लो 100, वापस 100 मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 उम्मीदवार हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, कोई इश्यू नहीं है, जीतने वाले को 55% मिले तो 55 लिख दीजिए, और हारने वाला यानी थर्ड प्लेस पे जो आएगा भाई वो तो हारा ही है बेसिकली, तो लेकिन यहां पे मेंशन दिया है कि थर्ड प्लेस वाले को 5%, तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% मिले तो 5 कर दीजिए यहां पे, आई थिंक चीज समझ में आई आपके, मैंने 5% कर दिया, अब बात आती कि सर इस सेकंड को क्या मिल गया, सेकंड को तो कुछ मिला ही नहीं सर, ऐसा थोड़ी होगा, तो 55 + 5 = 60, 100 में से 60 घटा दो तो आ गया 40, यहां पे 40 बात खत्म है, नेक्स्ट अब वो आपसे क्या कर रहा है, वो 9000 वोटों से जीत गया है, तो 9000 वोटों से जीत गया यानी इन दोनों के बीच का अंतर की बात करिए, उसने इन दोनों के बीच का अंतर ही दिया उसने 9000 वोटों, लेकिन यहां पे कितना है 15, वहां पे कितना है 9000, तो 9000/15 फाइंड द टोटल वोटर्स, तो वोटर्स कितने हैं 100 से गुणा कर दीजिए, तो 15 × 15 = 600, तो ये कितना आया 600 और 2 जीरो अलग 60,000,
आई थिंक सो चीज समझ में आई है आपके, बहुत आसानी से हो गया, इजी इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं, कुछ समझने लायक ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें इजी ही हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया? टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दो उम्मीदवार थे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन पे, 20% वोट फाउंड इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड हो गए, कोई इश्यू नहीं है। Winner got 60% of the valid vote and won by this. Find the number of voters. 20% अवैध हो चुके हैं वोट। आपसे पूछा है कि बताओ नंबर ऑफ वोटर्स क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ही है, कोई इशू नहीं है। बस जैसे अपन मान रहे थे, इस बार इसमें बीच में क्या हुआ, इनवैलिड का भी टंटा आ गया। तो कुछ नहीं करना, मानना तो आपको 100 ही है, 100 मान लो। क्या हुआ, 20% इनवैलिड हो गया, मतलब जितने भी वोट पड़े, जितने वोट पड़े उसमें से 20%, यानी 100 वोट पड़े तो इसका 20%, तो 100 का 20% तो 20 होता है, तो इसका 20% गया, तो बचे कितने, 80, मतलब 80 वोट इनवैलिड हो गए। विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, जीतने वाले को 60% मत मिले वैलिड के, इसके याद रखिएगा, इसने इसमें बोला है 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा टोटल वोट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी वोट पड़े, एक तो कभी कभी उसके बोलता है विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स तो 100 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब विनर जीतने वाले को 60% मिला है वैध मतों का। क्वेश्चन में ये जो लाइन दे रखी है, इस पे हमेशा ध्यान रखना, तो जीतने वाले को 60%, यानी इसका 60%, 8 6 48, और ये कितना हो गया, 32, आई थिंक क्लियर है आपके। नेक्स्ट, एंड वन बाय 28,800 वोट, और किससे से जीत गया, 28,800 से, डिफरेंस कितना है 16 का, क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 28,800 अपॉन 16, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स, वोटर्स पता करिए, तो इनटू क्या कर दीजिए, 100%, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वोटर्स पूछा 100, अगर वो आपसे पूछता है वैध मत, तो इनटू क्या करना है, 80, जीतने वाले के 48, तो इनटू क्या कर दो, 48, हारने वाले के 32, इनटू 32 कर दो, और अगर पूछता अवैध वोट, वोट कितने, तो इनटू 20 कर देना बस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 वन 16 16 वन 16, 128 बन गया, ये 8 बन गया, और ये 00, तो 1800 और 00, तो 180,000। देखिए बहुत आसानी से हो गया, बहुत सारी चीजें अच्छे से हो गई सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ये तो वही क्वेश्चन है, चेंज करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट, पंकज गेट 65% ऑफ द वैलिड वोट, देखो पंकज को 65% मिला है वैलिड वोट्स का, सेम क्वेश्चन ही तो है, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, देखते हैं क्या करा है। 65% ऑफ द वैलिड वोट, यहां तक तो सेम है अभी तक, आगे इफ द टोटल वोट्स वर 6000, अब क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने टोटल वोट्स की वैल्यू दे दी। देखिए क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है, अभी तक क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में उसने टोटल वोट्स की वैल्यू नहीं दी थी, हम 100 मांग के कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने 6000 टोटल वोट्स की वैल्यू दे दी है, तो आप कुछ मत करिए, इस 100 की जगह यहां पे 6000 रख दो। मैंने हमेशा 100 करके सॉल्व किया है, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि 100 करके आप ट्राई करो कि 100 करके सॉल्व करना, तो ट्राई करो कमेंट में मेरे को बताना कि हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं उसके अंदर आपको सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन डाल दूंगा, तो आपको भी पता चल जाएगा चीजें किस तरीके से। तो 6000 वोट्स मिले, आगे क्या हुआ, 25% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखो 25% को अवैध घोषित कर दिया गया है, मेरे को बताना है कि निशांत को, जो दूसरा कैंडिडेट है, कौन है, निशांत है, निशांत को कितने वैलिड वोट्स मिले, वैध मत मिले, ठीक है। पंकज को 65% मिला है, लेकिन निशांत को भी तो कुछ मिला होगा, तो निशांत को कितने वैलिड वोट्स मिले वो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है हमेशा उस पर ध्यान दो। तो 6000 माने 25% इनवैलिड हो गया, यानी इसका 25%, इसका 25% निकालना, तो 1/4 से इसको गुणा कर दो, तो 1/4 से गुणा करते हैं तो 1500, यानी 1500 वोट अवैध हो गए हैं, 6000 में से 1500 वोट अवैध, तो अब बचे कितने, 4500, ये है मेरे वैध मत, ये क्या है मेरे वैध मत, सॉरी वैध मत, ये मेरे वैध मत है, ठीक है। अब जीतना और हारना इसी में से डिसाइड होगा, लेकिन इसने क्या कहा, पंकज को तो 65% मिल गया, तो पंकज को 65% इसी का मिला है, देखो वैलिड वोट्स का, तो अगर पंकज को इसका 65% मिलता है, तो इसी का ही निशांत को 35% मिलेगा। देखो टोटल तो 100 होता है हमेशा, 100%, तो पंकज अगर 65% लेके गया है इसका,
तो निशांत 35% लेके जाएगा। बात यह है कि उसने क्वेश्चन में निशांत की वैल्यू पूछी है कि निशांत को क्या मिला। अब आप क्या कर सकते हो कि पहले तो पंकज की वैल्यू निकालो, फिर उसमें से इसको माइनस करो और फिर इसकी वैल्यू रखो। लेकिन जब पूछा ही निशांत है तो पंकज की निकालने की जरूरत ही क्या है, जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो मैं क्या करता हूं, निशांत की वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूं, 35%, 450 का 35%। अब ध्यान दीजिएगा, 35% यानी 30+5 होता है भैया, 35% यानी 30+5 होता है। तो पहले इसका 30%, तो इसका 10% तो 450 होगा। देखो एक पॉइंट लगा तो 450 और इंटू क्या कर दीजिए 3, तो ये हो गया 1350। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ये है 1350 और ये 5, 10% है 450, तो 5% 225, तो 1575। यानी निशांत को कितने मिले, 1575 वोट्स मिले हैं। चीजें ये आसान है, देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं, ये वाली चीजें कि परसेंटेज कैसे निकालता है। अगर आप किसी को नहीं याद है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को जाके देखो भी एक बार, ये परसेंटेज किस तरीके से निकलता है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो पर जाओ और ये परसेंटेज निकालो, बस परसेंटेज निकालने का खेल था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 65% 6000 निशांत हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट। देखो अभी तक क्वेश्चन में हमने वैलिड इनवैलिड्स की बात करी, अब क्या होगा, क्वेश्चन में कोई वोट भी नहीं देगा, तो ये एक अलग लफड़ा शुरू होने वाला। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले, जबकि 20% अवैध। देखो एक तो 10% वाले डालते नहीं है, और दूसरा क्या होता है, जो डले उसमें से भी 20% में घपला। ठीक है, यदि विजय उम्मीदवार को 75% मत मिला है, वैध मत मिले हैं, 75% वैध मत मिले हैं। देखो यहाँ पे 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, 75% वैध मतों का 75% की बात कर रहा है वो। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 100 मान लिया, वही मैं वही करूंगा बार बार, कोई नई चीज नहीं करने वाला हूं, बस स्टेप्स चेंज कर लूंगा। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी अगर 100 मतदाता सूची में 100 नाम थे, याद रखो मतदाता सूची में अगर 100 नाम थे तो दिया कितनों ने, 90 ने, तो 90 रख दो यहाँ पे बस, ये 10 था, ये 10 तो इन्होंने दिया ही नहीं है, इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि 10% वोटर्स, 20% अवैध हो गए, मतलब जो वोट पड़े होंगे वही तो भैया अवैध होंगे, तो इसका 20%, तो इसका 20% यानी 18, तो 18 माइनस कर दिया तो 72, आई थिंक क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले को 75% मिला है वैलिड का, वैध मतों का, तो यही तो है वैध मत हमारे, तो इसका 75% निकाल लो। इसका जब 75% निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3/4 से गुणा करना पड़ेगा। 3/4 से गुणा करोगे तो यहां पे आएगा हमारा 54। ठीक है, 72 × 3/4 कर लो 54। तो अब इसको कितने मिले होंगे, अब इसको जब ये 54 लेके जा चुका है विनर, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 18। 72 में से 54 घटा लीजिए तो 18 आएगा, 18 आ गया। कितने से जीता, 28-80, यहां पे कितना डिफरेंस है 36 का, क्वेश्चन में कितना है 28-80, तो 28-80 अपॉन 36 और इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, 48 बन गया, तो 40, 12 × 4 = 48। नेक्स्ट 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 24, तो 60, यानी कितना आ गया हमारा 6000, कितना आ गया हमारा 6000 आ गया। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया हमारे लिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, क्या बार बार एक जैसा क्वेश्चन करा दो, वापस देखो, वोट्स आउट ऑफ द टोटल वोट्स फॉर 2000 वोट्स डिक्लेयर। अब आई ना बात, हमेशा इस बार क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पहले सारे क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की होगी आपने, ये जो इनवैलिड का जो मेजर नंबर है ना, ये परसेंट में दे रखा था, लेकिन इस बार क्या हो गया, सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है, इस बार सिनेरियो ने थोड़ा सा चेंज कर लिया, और सिनेरियो इस बार क्या कह रहा है, नंबर दे दिया उसने, यहां पे भैया परसेंट नहीं दिया इनवैलिड का, उसने नंबर दे दिया है। तो अगर नंबर दिया है आपको तो उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, परसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, अब मजा आएगा और सॉल्व करने में कि किस तरीके से करना है। देखो 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी अगर टोटल वोट 100 पड़ रहे थे तो क्या हुआ, 10 ने नहीं दिया, तो यानी 90 ने वोट दिया, 90 ने वोट दिया। आगे
52% ऑफ द टोटल वोट्स। देखो अब 2000 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध कितने हो गए 2000। मैं पहले ही यहां पे एक्स लगा रहा हूं, देखते जाइएगा, मैं यहां पे भी एक्स लगा रहा हूं, ठीक है। मान लो 100x वोट पड़े होंगे, मेरे को नहीं पता कितने पड़े, 100x पड़े होंगे, तो 10% हटा दिया तो 90x, ठीक है। ये देखिए वापस समझिए, ये कितना हो गया मेरा 90x, मतलब 90x वोट पड़े, इसमें से 2000 इनवैलिड हो गए, तो 90x माइनस का 2000, तो ये जो बना होगा ये तो वैलिड वोट्स का बना होगा, ये जो चीज बन के सामने आई ये तो वैलिड वोट्स की आई, वैध मतों की आई। आगे क्या कहा उसने, जीतने वाले को मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। अब मतदाता सूची में जो नाम है वो तो ये है 100x, तो इसके 52%, तो इसका 52% तो भैया 52x होगा, इसका 52% 52x होगा। अब बात करते हैं कि अगर जीतने वाले को 52x मिल गया है, इसका ही तो 52x मिल गया, ठीक है, ये हमारे वोट होंगे जिसमें से हम काउंट करेंगे कौन जीता कौन हारा, और इसका 52x तो लेके चला गया, तो अगर ये 52x लेके गया है तो लूजर कितना लेके गया भैया, मेरे को लूजर के भी तो निकालने पड़ेंगे, लूजर को कितने वोट मिले, तो लूजर के जो मैं वोट निकालूंगा, देखो क्या करूंगा, मैं इस टोटल में से इसको घटा दूंगा, यानी 90x माइनस का 2000 माइनस का 52x, आई थिंक क्लियर है, 90 में से 52 गया तो बचा कितना, 90 में से आपको माइनस करना है 52, तो बचा 38x माइनस का 2000, तो ये बना 38x, कितना बन गया 38x माइनस 2000, 38x माइनस 2000 आया कहां से, मैंने इस 90x माइनस 2000 में से इस 52x को घटा दिया, तो ये आया 38x माइनस 2000। क्वेश्चन के अंदर वही बात कही गई है, 13200 वोट, देखो उसने वापस वही बात, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस ही दिया है 13200 का, तो मतलब मैं इन दोनों को अगर माइनस करूं तो मेरे को 13200 मिलना चाहिए, मैंने क्या किया 52x माइनस ऑफ 38x माइनस ऑफ 2000 बराबर कितना आ गया 13200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देगा मेरे को 14x और ये प्लस का 2000, देखो माइनस बाहर है, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, वो तो 2000 13200, अब 14x बराबर ये 2000 जब यहां जाएगा तो माइनस, तो ये बन गया 11200, तो x की वैल्यू भैया मेरी कितनी आई 11200 अपॉन 14। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये मेरा काम नहीं है, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, आपसे पूछा गया है लूजिंग कैंडिडेट, मतलब जो हारा है उसको कितने मिले, तो भैया x की वैल्यू यहां रखना और इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि बताओ मतदाता सूची में कितने नाम थे, टोटल वोटर्स क्या थे, तो भैया यहां पे x की वैल्यू रखना और इसको सॉल्व करना। अब बात आती है कि ये तो बहुत टाइम ले रहा है सर, एग्जाम में इतना लंबा करेंगे क्या, नहीं, एग्जाम में इस तरीके से मत करना, एग्जाम में सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले, कि भैया ये 52% किसका है, ये 52% हमेशा टोटल वोट्स का है, 52% किसका है, टोटल वोट्स का है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 90 लिखा, 100 लिखा, 10 ने नहीं दिया, यानी 90, सिर्फ 90, बात देखना, अब बस एग्जाम में आपको इस पे ध्यान देना है, ये 52% ऑफ टोटल वोट्स होना चाहिए, इसका ध्यान रखेगा, तो 90 इसका 52 कह दिया उसने, 52% ऑफ टोटल वोट यानी इसका, तो ये 52 आ गया, तो अब 90 में से अगर 52 गया तो बचा कितना 38, तो ये बचा 38। देखो ध्यान दो मैंने क्या किया, वही 100 माना, 10 ने वोट नहीं दिया यानी 90, तो ये 52 और ये 38, तो ये 52 और ये 38 हो गया। आपको एग्जाम में क्या देना है, 52% ऑफ द टोटल वोट्स होना चाहिए, हमेशा टोटल वोट्स की बात करें, 52% कुल वोटों का, कुल वोटों का, तो 90 आ गया, 90 में से ये 52 ले गया तो ये 38 ले गया। अब कुछ मत करो, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बस इन दोनों को माइनस कर दो और जितने से वो जीता है वो इक्वल्स टू के इस तरफ रख के जो भी आपके इनवैलिड है वो माइनस कर दो। देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है, बस स्टेप को हटा दिया, कुछ स्टेप्स को हटा दिया जो जरूरत है ही नहीं, जब ये हमेशा ही इस तरीके से आएगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो x बराबर 11200 अपॉन 14, अब वापस सॉल्व कर लीजिए, क्या इशू है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पे ये जो 38x है, लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स हमेशा 38x माइनस 2000 होंगे जो भी इनवैलिड है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है, इस क्वेश्चन में तो लूजिंग कैंडिडेट के पूछे हैं,
कभी कभी क्वेश्चन में वो टोटल वोटर्स पूछे, टोटल वोटर्स, तो बस एक्स की वैल्यू निकाली, यहां रखी, सॉल्व करी, आंसर आ गया, दो मिनट का काम है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये 38 - 2000 होगा लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट। आई थिंक चीज समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेम टू सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इस बार 308 वोट दे दिए, विंस बाय 300 वोट, 308 वोट दे दिया इस बार। क्या कहा क्वेश्चन ने कि 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, तो 100 में से अगर 10 ने वोट नहीं किया तो यानी 90 ने किया, 60% इनवैलिड, 47% ऑफ द टोटल वोट्स, देखो 47% टोटल यानी इसका 47, तो ये 47 आया तो ये 43 आएगा, ये x लगा दिया, इन दोनों को माइनस कर लो, 47x - 43x, ठीक है, और यहां पे क्या करो, कितने से जीता है, 308 माइनस इनवैलिड यानी माइनस 60, सॉल्व कर लीजिए, 4x बराबर, अब ये देखो 60 में से ये गया तो कितना बच जाएगा, 248, तो x बराबर मेरा कितना हो गया, 4 6 24 62, x की वैल्यू आई 62। अब अगर आपसे लूजिंग कैंडिडेट पूछा है तो ये लूजिंग वाले के वोट है, याद रखना मैं यहाँ पे 43x रख रहा हूं, अगर लेकिन वो आपसे लूजिंग कैंडिडेट के जब भी वोट पूछे तो उसमें से इनवैलिड को माइनस करना ना भूले, इनवैलिड माइनस कर लो, टोटल का पूछा तो यहाँ पे रख दो एक्स, इसका पूछा तो यहाँ रख दो, चीज सेम है, चीज सही है, वैसी की वैसी है, कोई ज्यादा चेंज नहीं था क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब क्या कहा उसने, 75% वही चीज है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, देखो लाइन चेंज हो गई इस बार, पिछली बार हमेशा 52% ऑफ द टोटल वोट्स था, इस बार क्या हो गया, 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ध्यान दो क्या करना है हमको, वापस वही मैं 100 लिखूंगा, सेम टू सेम, नेक्स्ट 20 लोगों ने वोट दिया, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, तो x 20 माइनस कर दूं तो ये आया मेरा 80x। जीतने वाले को 75% मिला टोटल का, लेकिन क्या ये वैध मत है, नहीं, वैध मत तो मेरे 80x - 600 है। अब बात आती है आगे 75% टोटल का, देखो 75% क्या होता है ना मेरा, किसी भी नंबर का अगर 75% निकालना है तो उसको भाई 3/4 कर दो बस, किसी भी नंबर का अगर 75% आपको निकालना है तो इनटू 3/4 कर दीजिए, आपको बताया है मैंने ये चीज, तो इसका 75%, देखो अगर इस विनर को 75% मिलता है किसका, इसका, तो भैया हारने वाले को कितना मिलेगा, 25%, आई थिंक क्लियर है आपके, ये 75% लेके गया, ये 25% लेके गया। अब क्या करना है, इसका 75%, तो देखो इसको या तो मैं ऐसे लिख दूं, 75% ऑफ 80x माइनस 600, और इसको क्या लिखूंगा, 25% ऑफ 80x माइनस का 600, ये लिख सकता हूं, लेकिन इन 75% और इन सब की जगह मैं 3/4 भी तो लगा सकता हूं, तो यहां पे मैंने 3/4 लगा दिया, 80x माइनस 600, और यहां पे मैंने 1/4 लगाया, 80x माइनस का 600। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा, ठीक है, देखिए देखिए समझिए इस चीज को, कि अब क्या करना है, 3/4 है तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 3/4 तो ये 20 बनाएगा, 20 × 3 = 60, 60x, ये 4 इसको कितना बना देगा, 150, देखो 4 10 ही गुणा होगा तो इसको 150 × 3 होता है मेरा 450, उसी तरीके से यहां पे बनेगा मेरा 20x और यहां पे 150। अब बात आती है, क्वेश्चन ने कहा कि वो 1500 वोटों से जीत गया है भाई, तो 1500 वोटों से जीत गया यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1500 होना चाहिए, तो 60x माइनस 450 माइनस ऑफ 20x और माइनस का 150 बराबर 1500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 60x और ये माइनस, तो 60 में से 20 गया तो भैया ये तो मेरा 40x बचाएगा, माइनस ये माइनस, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, ठीक है, तो ये प्लस का 150 और माइनस का 450 यानी माइनस का 300 बराबर 1500, तो अब ये 300 को इधर भेज दीजिए, 40x बराबर 1800, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 1800/40, ये तो कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी x की वैल्यू 45 आई। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स क्या है, यहां पे 45 रखो, इसको सॉल्व करो और माइनस 600 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक चीज समझ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा,
आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, बाकी सारी चीजें आसानी से हो जाएगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर समझ में नहीं आए तो हल्का से वीडियो को रिवाइंड करें और वापस लेके चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि मैं मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं, मिक्स सेशन का, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर सेक्शन हमारा एक अलग चल रहा है, जिसमें एक अलग इस जो मैं अब नया लेके आने वाला हूं उसमें एक अलग रहेगा, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, आईबीपीएस, रेलवे और डीआरडीओ, एम्स सबके रहेंगे। आप कुछ मत करिए, बस इस वीडियोस को रेगुलर देखें और चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे साथ बने रहिएगा बेंचर्स आईक्यू पे। थैंक यू।